भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आपका आर्य एंड भव्य हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हिंदी दिवस है, तो आप लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा, हिंदी दिवस का वीडियो स्टेटस डिजाइनिंग वाला वीडियो, तो आप भी ऐसा वीडियो बनाना सीख सकते हैं। तो हम आपको सिंपली काइन मास्टर से ये वीडियो एडिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एडिटिंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे, उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, 16:9 ले लेंगे, मीडिया पर चलेंगे, बैकग्राउंड में ब्लैक वाला कलर ले लेंगे, इसका हम साइज बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद ओके कर देंगे। लेयर पे चलेंगे, टेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ पर हम हिंदी दिवस टाइप कर देंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ पर हम जो भी अपने मन मुताबिक टेक्स्ट लेना हो, हम इसको कुछ इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे ताकि हमको क्रोमा की निकालने में आसानी हो। उसके बाद रेशियो बढ़ा देंगे, उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सिंपली इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ही सेकंड में अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो चलिए हम फिर से दूसरा नया पेज ले लेते हैं, प्लस वाले पे जाके 16:9 मीडिया पे जाके, उसके बाद हम यहाँ पर एक कलर वाला वीडियो ले लेंगे। तो ये कलरफुल वीडियो जो है, इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे, हमने अभी जो एक्सपोर्ट किया है वही वीडियो हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसका साइज बड़ा कर देंगे हम कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम जो हिंदी दिवस का सॉन्ग है या फिर कुछ भी स्टेटस है, हम उसको यहाँ पर ले आएंगे कुछ इस तरह से, और हम एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो टाइपिंग वाला है क्रोमा की, इसका निकालना है। तो क्रोमा की पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रीन तो है ही पहले से, सिंपली इसको हम इनेबल कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर से लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक और डिजाइनिंग वाला फ़ोटो कलरफुल वीडियो, इसका हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद खींच के इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे। उसके बाद इसका साउंड हम इस तरह से, जिसका भी साउंड है इस तरह से हटा देंगे हम, ताकि आपको एक ही सॉन्ग सुनाई दे। उसके बाद इसको हम खींच के, इसको पहले हम क्लिक करके और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम स्क्रीन कर देंगे इसको। उसके बाद ओके कर देंगे, उसके बाद इसको हम खींच के थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद अगर आपको और वीडियो में लगाना हो तो ये छोटा पड़ जाता है, तो इसको आप डुप्लीकेट कर लें। उसके बाद इसको खींच के आप साइज बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो हिंदी दिवस पे आप भी ऐसा स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, अच्छा लगता है। हिंदी दिवस का बनाइए या और भी कोई अपना नाम, अपने नाम का इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि वो भी ऐसा वीडियो बनाना सीख लें। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप
जाएंगे नहीं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।